Hello, hello, my dear Facebook friends and followers. Very good evening. I hope आप ठीक होंगे. Welcome again, Noel Messi blog. आज मैं आपको एक नया content लेके आई हूँ. वो नया content जो मेरे life की memory है, जो मैंने बचपन में सीखा और मैंने उसको सिखाया बच्चों को. तो आज मैं वही आपसे शेयर करना चाहती हूँ. आई होप आपको ये मेरा कंटेंट जो मैं आज लाई हूँ आपको पसंद आएगा. मेरी एक स्टोरी है जो बाइबल से रिलेटेड है. बाइबल में एक स्टोरी है जिसमें हम जीसस को यीशु कहते हैं और जीसस के जो फ्रेंड्स हैं वो डिसाइपल्स हैं. तो मैं आज आपको पेशेंस के बारे में बताना चाहती हूँ. पेशेंस, पेशेंस क्या है? पेशेंस एक सब्र है. हमें पेशेंस जो है हमें सब्र करना सिखाता है. और जब हम पेशेंस और सब्र रखेंगे तो हम अपने बड़ों की आज्ञा भी मानेंगे. तो इससे रिलेटेड मैं बाइबल की एक स्टोरी आपको बता रही हूँ कि बाइबल में एक कहानी है जीसस की. जीसस के 12 डिसाइपल्स थे. डिसाइपल मीन्स चेले. और जीसस को हिंदी में यीशु के नाम से भी जानते हैं लोग, यीशु मसीह. तो यीशु मसीह जब भी कहीं शाम को घूमने जाते थे तो उनके साथ हमेशा भीड़ को जाती ही थी. और जब भीड़ जाती थी तो नेचुरल उनके जो फ्रेंड्स हैं और उनके जो 12 चेले हैं, जो उनके 12 डिसाइपल्स हैं, वो भी उनके साथ साथ जाते थे. और चलते 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 एक जगह रात हो गई. और जब रात हो गई तो यीशु के चेलों ने कहा, हे खुदावन, हे जीसस, देखिए रात हो गई है और आप ऐसा करते हैं और ये यहाँ पे झील भी है और झील में मछलियाँ भी हैं. अब आपको तो पता है कि अगर नदी, समुंदर, तालाब में कोई मछली दिख जाए तो कितनी बड़ी टेम्पटेशन हो जाती है, कितना अच्छा लगता है, उसको पकड़ने का दिल करता है. तो इसी तरह चेलों ने कहा कि हे जीसस, आप यहाँ पे आराम कीजिए और हम ऐसा करेंगे कि रात को हम मछलियाँ पकड़ेंगे. क्योंकि पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग मछुआरे होते थे और मछुआरों के साथ जाल भी होता था. तो यीशु मसीह जो थे वो सो गए. और जब सो गए तो चेलों ने रात भर मेहनत करी. कभी उन्होंने इधर जाल डाला, कभी उन्होंने इधर जाल डाला, लेकिन उनको कोई भी मछलियाँ हाथ नहीं लगी, नॉट अ सिंगल मच्छी. अब वो सुबह होते के साथ ही जीसस के पास आए और कहने लगे, देखिए आप तो सो रहे हैं और देखिए हमने रात भर मेहनत करी है, हमें लेकिन कुछ नहीं मिला, बताइए अब हम क्या करें. उनका कोई बात नहीं, जीसस ने कहा कोई बात नहीं, मत घबराओ, पेशेंस, सब्र रखो. और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ जाल डालना है. तो यीशु ने कहा आप झील के उधर जाल डालो, उधर, इधर नहीं, इधर तो आपने सारी रात मेहनत कर ली है, अब आप ऐसा करो उधर डालो. तो चेलों ने मना नहीं करा बल्कि उसका हुक्म माना, क्योंकि वो जानते हैं जीसस मिरेकल करते हैं. तो उन्होंने जब जाल डाला तो उनको तो इतनी मछली मिल गई कि उनका तो जाल फट गया और वो उनको कैरी नहीं कर पाए. और वो देखिए कितने खुश हो गए. अब मैं एक गाना बताऊंगी आपको, देखिए, एक छोटी, दो छोटी, तीन छोटी मछलियाँ, चार छोटी, पांच छोटी, छह छोटी मछलियाँ, सात छोटी, आठ छोटी, नौ छोटी मछलियाँ जब झील में चलती थी, जब झील में चलती थी, यीशु ने कहा फिर जाल डालो, यीशु ने कहा फिर जाल डालो, यीशु ने कहा फिर जाल डालो, तो मछलियाँ पाओगे, तो मछलियाँ पाओगे, उनको बहुत सी मछलियाँ मिल गई, उनको बहुत सी मछलियाँ मिल गई, उनको बहुत सी मछलियाँ
मिल गई जब आज्ञा मानते थे, जब आज्ञा मानते थे। अब आपने देखा उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा माने और उनको इतनी मछली मिल गई। इसी तरह मैं आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ अपनी छोटी सी स्टोरी से कि आपको अपने बड़ों का, आपको जो भी बड़ों का है आपको हुक्म देते हैं उसको मानिए, पेशेंस रखिए, किसी काम को जल्दबाजी मत कीजिए। और जब आप पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे और अपने माता पिता और अपने बड़ों की आज्ञा मानेंगे तो यू विल ऑलवेज सक्सेस। आई होप आपको ये मेरी स्टोरी या छोटा सा कंटेंट जो मैंने आज बनाया है, और अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इसी तरह आपके लिए बहुत छोटी छोटी स्टोरी जो मैंने बचपन में सीखी और मैंने बच्चों को सिखाई और मैं आज अपने प्यारे फ्रेंड्स और फॉलोवर को दिखाना चाहती थी और मैंने दिखा दिया। और आपको अच्छा लगेगा तो जस्ट प्लीज कमेंट गुड, तो मैं आगे भी ऐसे ही करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।